जय माता रानी। हम रानी बानी और ये हमारे पति जी। किकरा से मिले के बा आपके? जी अब आप ही कुसुम जी बानी ना? जी जी। असल में हमके आपसे जयराजा बाबू के बारे में कुछ पूछे के रहे। सिर्फ दो मिनट हमने के बात सुन ली प्लीज। हमारे बहन के शादी और लड़का से होके वाला बार तो आपके प्रॉब्लम बा हमार ना। आप लोग तो लड़ झगड़ के वापस एक हो जाए, बाद में भुगते था हमरा के ही पड़ी ना। जाइए आप लोग यहाँ से। सुनी सुनी एक प्लीज प्लीज एक बार हमारी बात सुन ली। हम आपके कुछ ना होके देव, हमने दोनों आपके साथ बने। बस दो चार सवाल पूछे के रहे आपसे, बस होकर जवाब दे दी, बस उतना ही। समझ में ना आवेला आपके? हम कहनी ना कि हमरा के बारे में कोनो बात ना करे के, लिख के दीगा जबरदस्ती बाका, जाए यहाँ से। देखिए मैं बहन की जिंदगी का सवाल बा, प्लीज प्लीज हमरा आपसे कोनो बात ना करे के, प्लीज आप लोग जाए यहाँ से। बात के समझे की कोशिश करें, हमने के चल गई बकरा बाद। डॉक्टर साहब का भइल? लोग इकट्ठा हो गइल बड़न, हमने के जैसे चले के चाहे इनकरा खातिर भी ठीक ना होके। रानी लेकिन प्लीज बात के समझे, बाद में आके बात कर ले चले। चले चले लेकिन वो कागज के टुकड़ा के दम पर अपन पत्नी के बेइज्जती बर्दाश्त ना करब हम। हमार बेटी दुनिया के होके वाली सबसे सुंदर दुल्हन बाड़ी, ऐसे एकर हाथ पे सबसे अच्छा मेहंदी लगे की चाहिए। हम डिजाइन्स देखे पानी, जरा आई प्लीज दिखाई डिजाइन्स। रानी सा, नंदिनी दीदी के बाद और केहू के मेहंदी लगाए के बा? ना, ये सिर्फ क्लोज फैमिली फंक्शन बा और हम सिर्फ घर के लोग ही बानी यहाँ। लाई डिजाइन्स दिखाई ली। अगर बहु रानी यहाँ होती तो ई मेहंदी के माहौल इतना सोना ना होगा। ई देखा पसंद आई ला आपके? आपके पसंद खराब हो सकेला का? खम्मा गनी राजमाता, घनी खम्मा, खम्मा घनी, घनी खम्मा। कितना प्यारी लग रहल भैया हमार होखे वाली बहू। देखी हमी मेहंदी खास
ग्वालियर से मंगवाई ले बानी आपके खातिर, एक राही लगवाई, पर मेहंदी तो यहाँ पहले से ही बा। विधि के मुताबिक ससुराल से आयल मेहंदी लगावेली दुल्हन। शांति, मेहंदी पंडित जी के पास लावा। जी। घर में खुशी के माहौल बा, बाकी चंपा के एक गलती के सजा जरूर मिली। शगुन के मेहंदी के इतने से गिर जाए, अच्छा बात नहीं खे राजेश्वरी जी। ये शादी पे जरूर कोनो खतरा मंड रहा था, वो वीर और रानी हमरा खिलाफ कोनो साजिश रचे के फिराक में हुई लोग और का। पंडित जी आप वहम फैलावे वाला बात मत करी, गलती से गिर गयी बा कोनो अपशगुन ना भइल बा, हना मालिनी जी। और का, मेहंदी ससुराल के होके या मायके के, प्यार और आशीर्वाद दोनों में ही माँ के बाना। अब मेहंदी तो तहरा के मायका के ही लागी। मेहंदी लेके आई, जय कौन बात के लेके इतना परेशान लग रहा है बानी? रानी बहुत परेशान लग रहल बाड़ी, और होखिए भी काहे ना सोचले रहली कि जय के खिलाफ कोनो सबूत मिली, लेकिन कुसुम के दरवाजा से खाली लौटे के पड़ो। बिल्कुल भी टेम ना बचल है डॉक्टर साहब, अब कैसे रोका भी ब्याह के हमने। रानी थकल दिमाग और शरीर ना अभी के सोच पावेला और ना आगे के, यही से जोन भी करे के बकरा बारे में कल सोचल जाए, ठीक बा? ऐसे का देख रहल बानी आप? देख रहल बाने कि आप अपन परेशानी कैसे छिपावता ने। अगर हम नंदिनी दीदी की चिंता में डूबल बानी तब तो आपके छोट बहिन बाड़ी, आज रात ना आप सुत पाइब ना हम। किंतु अब चिंता मत करी, माता रानी हमने के साथ है बानी, कुछ भी गलत ना हो खेदी है, कोनो न कोनो रास्ता जरूर निकल आई। हाँ, आप यहाँ पर थोड़ा देर आराम कर ली। और आप? हम अपना केबिन में बानी, गिधारी काका के केस स्टडी करे के बा, कुछ फाइल्स बा। ठीक है। सबूत मिले या ना मिले, इतना तो हमके यकीन है कि आप नंदिनी दीदी की जिंदगी बर्बाद ना होके दे, पर बेहतर हो कि अगर उस ससुरा जय राजा बाबू की सच्चाई खुद ब खुद उनकरा सामने आ जाए, यही उम्मीद लगा रख ले बानी आपसे माता रानी, निराश मत कर। अब Thank you.
राजमाता जी आप पहुंचे इतना सुबह सुबह। का बात बा, अब घर में हमनी सबके साथ आपके मन ना लग रहा बा, ऐसे आप भेजा चलेनी या तो फिर शादी के काम से भागे चाहत रहनी आप? हम भागले ना रानी, भगेले रानी। हमके आपके ई तरह से घर छोड़ के ना जाए के देवे के रहे। आपके बिना रजावत परिवार की खुशी बाकी सारा समारोह अधूरा रह जाई बेटा। अगर आप हमके वाकई में माफ कर देले बनी ना तो चली हमरे साथ घर वापस चली प्लीज। नाराज माता जी, छोटन के हक ना बनेला बढ़ के माफ करल, सिर्फ उनकरा से प्यार करल हो खेला। तब फिर चला हमरे साथ घर वापस चला। दादी सा, जोन घर के हमनी पर भरोसा ही नहीं खे वो घर हमनी कहे जाए दादी सा? हम कल आपके जे कहले रहनी ना वो गलत रहे वीर। ना दादी सा, आप हम पर गुस्सा कर सके नहीं, हमके डांट सके नहीं। अगर हम गलत बानी आप हमरा पर हाथ उठा सके नहीं, आपके हक बनेला। लेकिन हमर बात के भरोसा ना करके नंदिनी के शादी वो जय सिंह से कर दी है सही नहीं खेल ना दादी साहब प्लीज। अरे डॉक्टर साहब, आप ही का बच्चन जैसन जिद थामले बैठल बानी। राजमाता जी खुद हमनी के लेवे आयल बानी। हमनी घर चलब अब। राजमाता जी आप चली, हम आवतानी। ठीक बा बेटा। रानी ही डॉक्टर साहब, आप अपन नाराजगी के चलते असली मकसद से नजर हटा रहल बानी। आज ब्याह होके वाला और हमनी के घर जल जरूरी है, समझ रहल बानी ना? हमनी के जे करे के है साथ मिलके करे के है। हम राजमाता जी के साथ जाके समारोह में बाधा उत्पन्न करब। आप कुसुम के पास जाई और उनके मनावे के कोशिश करी, ठीक है? काहे कि वही एगो जरिया बानी ई ब्याह के रोके के। ओके। आज हल्दी और शादी दोनों बा, और जितना वीर और रानी के जाना था नहीं, वो बंटी और बबली की जोड़ी चुपना बैठी कहा करी। अरे कंपाउंडर बाना, इतना पैसा खिला ले बानी उकरा के, वो कब काम आई? खम्मा खड़ी हो कुम? हाँ गड़े खम्मा। अच्छा सुना वीर और रानी, हो जा बालक ना जॉन जॉन जा होता हमरा के पल पल के खबर चाहिए। हमरा के माफ कर दी हुकुम, हमरा लगे और कोनो चारा ना रहे। हमार नौकरी पे बात बनाई रहे, ओकरे के बचावे खातिर हम आपके और कुसुम के सारा सच उगल देनी। हा? अबे साला का बोला तरह तू? हेलो हेलो, फंस गई नी गईला जाए तू गईला। हमार और कुसुम के बारे में सब पता चल गई वीर और रानी के, फंस गईला जाए तू फंस गई। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम करुणा ध्वजा, मंगलम पुंडलीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। हल्दी के टाइम हो गए बा, राजमाता कहाँ बाड़ी? शांति हम एहिजा बानी। आप हल्दी के रस्म शुरू कर सके नी राजेश्वरी? आप घर वापस आ गई नी?
जे आप पहले कहीं नहीं वो कम रहे जे हमार हल्दी खराब करे खातिर फिर से वापस आ गई नहीं आप नंदिनी ई बहुरानी बनी घर के और आपके भाभी साहब भी इनकर हर समारोह में रहब उतना ही जरूरी बा जितना हमार और राजेश्वरी के। पर राजमाता नंदिनी राजमाता बिल्कुल ठीक कह रहा बाड़ी ई तो हर भाभी सबानी इनकर धर्म बा अपन ननद के आरती उतारल और सारा रस्म निभावल और ई बात के खास ख्याल रखल कि शादी में कौनो भी रुकावट ना आए। बहुरानी जाई और जल्दी से तैयार होके आई फिर हमनी हल्दी के रस्म शुरू करब। आरती के थाली लेके आई जी। बहुत अच्छा लग रहल बाई देख के कि जे लड़की शादी रोके चाहत रहली वो आरती के थाली लेके प्रार्थना करी कि शादी में कौनो रुकावट ना आए। प्रार्थना तो हम कर रहल बानी रानी सा परंतु ई ब्याह संपन्न ना होखे के। तीन बज चुकल बा 6 बजे शादी के मुहूर्त बा और 5 बजे से सारा रस्म शुरू हो जाई 3 घंटा बा। 10,800 सेकंड से 3 घंटा बनेला रानी सा और हमके जीते खातिर सिर्फ 1 सेकंड की जरूरत है। बहुरानी आरती के थाल लाई या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। समय बहुत कम बचल है माता रानी कुछ करे डॉक्टर साहब के साथ दी कि वो कुसुम जी के मना पाई। बहुरानी अभी आरती के थाली ले जाके मंदिर में रख दी। गॉड देखा तो के आयल बा एजा हमार बेस्ट फ्रेंड बाड़ू और सबसे लेट आयल बाड़ू। अरे वो ट्रैफिक रहन बहुत किया रहा तो हर ट्रैफिक के बहाना बहुत पुराना हो चुकल बा। कौन बात ना हम माफ करेंगे। अच्छा हम के तैयार होके मैं हमार हेल्प करबू या कम हम आइए। हे
हे माता रानी, अब सब आपके हाथ में है। हम जाने नहीं कि आप नंदिनी दीदी के साथ कुछ गलत ना होके दे, बस हमार भरोसा टूटे मत दे। डॉक्टर साहब अब तक फोन का है ना कैलन, बस कुसुम जी बात के मान जाएं। अब डॉक्टर साहब के तो फोन नहीं के, इतना कॉलेज से आ। हेलो सर। सर के फोन से हम बोला था नहीं, तार कॉलेज पार्टनर्स जी। वो दिन तो बड़ा बोलत रहलो कि सब हो जाए और हर कॉलेज ही ना आई लो। ओ असल में कहा कि हम बहुत व्यस्त बने, घरेलू मैटर है ना, यही खातिर। अब आप चिंता मत करिए, हम कल आके सब कुछ संभाल ले। अरे प्रोजेक्ट लेट हो गई तो हमनी सब फेल हो जाए। देखिए भैया जी, गांव के लोगन इतना संघर्ष देख ले रानी की उनके फेल होके ना आवेला। या तो कोशिश करत करत मर जायलन या फिर जीत पायलन। आप लोग फिकर मत करी, प्रोजेक्ट होगी और टीम पर भी होगी, ठीक है? ओ गांव वाला रानी, खुद के ज्यादा झांसी का रानी समझ लूगा कि सब कर ले। वो डिसाइड कर ला, या तो ससुराल संभाल ला या स्टूडेंट बन ला। हमने के करियर के साथ ना टाइम पास मत करा। अरे आप लोग समझ। हेलो मुसीबत भी अलग ही मजा ले रहा ला। या तो सूखा पड़ल रहेला या बाहर सामान एक साथ आ जाएला। कल जाके कॉलेज में सबसे माफी मांग ले, लेकिन अभी खातिर नंदिनी दीदी से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं खे। और हमार हमार बिल्लू रानी का, तू वीर और रानी से दोस्ती करके हमरा खिलाफ जाएगू और हम तारा के कुछ ना कहे। एगो बात कहीं, कबू कबू हम सोचता नहीं कि काश तू हमार भाभी होख। तो एक बार ज्वेलरी ट्राई करल जाओ। हाँ। विक्रम तू ये जा का कर रहा है बड़ा? एग्जैक्टली विक्रम, तू कियारा के इतना पास का कर रहा है बड़ा? ये मेहमान बड़ी परिवार ना, और मेहमान के जगह नीचे बाकी आ रहा। मॉम, कियारा हमार फ्रेंड बिया, हमार बेस्ट फ्रेंड, आप ऐसे काहे बिहेव कर रहे बनी ओकरा साथ? काहे कि इनकर तो आदत ही बाना दूसरा लोग के नीचा दिखा के। बाना रानी सा, हम
रियली सॉरी रानी सा, हम आपके मूड, हम तो बस अपन बेस्ट फ्रेंड के बस किया रहा। हम तोरा वीर खातिर चुल्ले रही, सिर्फ वीर खातिर। बड़ बेटा ना मिलल तो छोट चली, ई गेम यहां मत खेला। मॉम, हम तोहरा से बात ना कर रहल बानी। एंड यू कियारा, मेहमान बाड़ू मेहमान बन के रहा, रिश्ता जोड़े के कोशिश मत करिहा। हम कितना बुरा बन सके नी तू अच्छा तरह से जाने लो। कियारा, तू झूठ बोलता रहे ना? ना, हम उनका कुछ ना बते नहीं, सच में कुछ ना बते लो ना बोल बो। कुसुम, हम कब से 2 मिनट बात करेंगे बा, प्लीज कुसुम प्लीज दरवाजा खोल दी, हमारी बहन की जिंदगी के सवाल बा। वीरे जा पहुंच गई, जल्दी जैसे निकला जाए, अगर पकड़ल गया तो तहा तो लग गई बेटा। कुसुम, हम अंदर आवे कोशिश कर रहे बनी, ठीक बा? अगर केहू के कुछ भी कह लो तो अगली बार जान से मार दे, समझ लो। कुसुम कह रहा ली, क्यारा जी हमके पता चलल रानी सा का कहानी आपसे, आप प्लीज रोई मत। रानी सा कभी कभी गुस्सा में कुछ बोल देवेली, ओके दिल से मत लगाई आप। रानी सा के तो कोनो गलती नहीं की, गलती तो हमार बा, हमारी ही कर्म खराब बा। हम दरअसल कितना बुरा कहनी तो ये सब तो होके के रहे ना। आज जब हमरा साथी सब भइल तब हमरा समझ में आयल की तरह कैसन फील होगा तोरे।
वीर कबो हमार रहे ही ना, वो हमेशा से तो हर है। बा हम जोन भी तरह साथ कहनी हूँ उकरा खातिर रियली सॉरी। जयसिंह अच्छा लड़का नहीं खेरानी, हो सके तो इस शादी रुकवा दा। नंदिनी बिल्कुल खुश न रही वहां पर। तख्त साहब के फोन लगावता ने, शायद उनके कुछ पता चला लो। हेलो डॉक्टर साहब, कुसुम जी माननी का काबिल डॉक्टर साहब, आप ऐसे चुप काहे बानी? हे माता रानी, ये कैसे हो गई? कैसे भैल ना रानी, ये कहले भाई पूछी रोकर जवाब भी जानत बानी आप। चेहरा चा बाबू, जय सिंह कुसुम के ऐसे धमकौले बा, तू कुछ भी बतावे से डर रहल बाड़ी। रानी जय सिंह के तो छोड़ब ना हम, लेकिन ए समय सवाल बस इतना बा कि ये शादी के कैसे रुकल जाए। आखिरी जरिया रहली हमनी के। डॉक्टर साहब, अब कुसुम जी के फोन दी जरा। नंदिनी दीदी जी जयराजा बाबू से ब्याह करे जा रहल बानी। अब आप सोची जोन डर आपके अंदर इतना खौफ पैदा कर देले कि आप कुछ बोले के लायक न रहनी। शायद कोनो दिन डर हमनी की नंदिनी दीदी के भी महसूस करे की पड़े। दीदी अगर आप बस इतना से थोड़ा से हिम्मत दिखा दे ना, तब तो शैतान के छोर लेकी के जिंदगी बर्बाद करे से रोक सके नहीं हम। हम आपसे वादा करें नहीं डॉक्टर साहब, और हम आपके और जय सिंह के बीच में ढाल बन के खड़ा हो जाए, कुछ ना होके दे बाप के। आप हमने के दीदी खातिर खड़ा हो खब प्लीज कुसुम दीदी। तारा कालकल, तू वीर और रानी से दोस्ती करके हमरा खिलाफ जाएगू और हम तारा के कुछ ना कहे? झूठ बोल बो। हम सच बोला, जय सिंह के सच हम सबके सामने लाइव। थैंकू दीदी, थैंकू थैंकू। थैंकू माता रानी, अभी ब्याह के ओखे से रोक ही दे भाम। कुसुम हम कब से 2 मिनट बात करके बा, प्लीज कुसुम प्लीज दरवाजा खोल दी, हमारे बहन की जिंदगी के सवाल बा।
ई कुसुम के पहले ठिकाना लगा देवे के चाहत रहल। अगर वीर के सामने हमार पोल खोल दिलस तो नंदिनी के कॉल। हेलो, ई अब बिल्कुल ठीक ना कहीं नहीं जाए। अगर आपके ये सब करे के रहे तो काहे उम्मीद जगह नहीं हमरा दिल में। गो टू हेल। हेलो हेलो नंदिनी, हमारी बात सुना नंदिनी। और हेलो, आप ही ठीक ना कहीं नहीं जाए, सब बर्बाद कर देनी। हम के आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी ना रहे। नंदिनी एक्चुअली हम अरे आप तो सच में घबरा गई नी। हम सरप्राइज की बात करत रहनी बुद्धू। याद बा आप ही कहले रहनी ना कि हल्दी पे आप हमरा खातिर कुछ स्पेशल करब। हाँ एजा हमार जान छुटल जाता और इंकरा के मस्ती छाता। शादी होके वाला बा हमार, ये बच्चा खाने बिहेव करल कब बंद करबू। हर चीज के को सही समय होला नंदिनी। हद बा एजा, ये 5 सेकंड में जैसे जयराजा बाबू आपसे बर्ताव कर ले वो आपके पूरा जिंदगी बन सकेला। नंदिनी दीदी कम से कम आप तो समझ जाए, ये ब्याह के होके से रोक दी ना। काहे भाई के और आपके बीच लड़ाई ना हो खेला का, ऐसा छोटा बात के बड़ा बना के हमारे दिल में शक पैदा करल बंद करी। कासा सच में हमके अपन भाभी सा मानती और हमार बात पे यकीन करती, परंतु कोनो बात ना, जब आप अपन आँख से सबूत देखा तब आपकी यकीन हो जाए। बहुत जल्द सारा सच आपके सामने आवे वाला है नंदिनी दीदी। उलंगूर से तो आपके ब्याह हम कब्बो ना होके दे। उम्मीद है आप कुसुम जी के लेके ही आए डॉक्टर साहब। कैसन फील कर रहल बानी आप अभी? दर्द कम भइल आपके? अभी तो हम उ दर्द के बारे में सोच रहल बानी जे आपके बहन के भोगते के पड़ी कुंवर सा। चली हमने चल के शादी रोकल जा। जी एक मिनट। जी चली जा। ये दरवाजा बाहर से बंद कहाँ है बा? जय सिंह, ओके हम जिंदा ना छोड़ब। वर्षा, वो दरिंदा हमरा के रोके खातिर कौनो हद तक जा सकेला? हम ऐसा होके ना देब कुसुम।
वीर रजाओ के इरादा के आग लगा देले बानी मालिक। शादी के बहुत बहुत बधाई हो के। कहा साला साहब, काहे मजबूर कल्या हमरा के इतना। अपना कुसुम नाम के सबूत रही और न रजावत परिवार के चिराग।